गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5 बज गए और 5 बजे हम लोग उठ गए। अब देख सकते होंगे गांव का नज़ारा सुबह सुबह 5 बजे। तो अभी हम लोग फ्रेशन अप होके निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। गाड़ी में मुझे मोबाइल चेक करना है कि क्या स्टेटस है। तो ये गाड़ी पिछले साल खरीदे थे हमने। पिछले साल खरीदने के बाद एक बार भी इसका मोबिल चेंज ही नहीं किया। तो आज तो लॉन्ग जर्नी करना है, इसीलिए एक बार मोबिल चेक कर लेना सही है। वही देख लेते हैं। हेलो फोन करो, बात कर लो ना। नजारा दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं पहाड़। पहाड़ों के बीच से ऐसे आना अलग मजा है ना। गाड़ी भी हालत खराब हो जा रहा है। अभी हम लोग होजाए पहुंच गए हैं। सुबह 6:30 बजे निकले थे और अभी 12:30 हो रहा है। 12:30 तक यानी 6 घंटे में होजाए पहुंच गए हम लोग। बैठो बैठो बैठो। ये दूध का चाय पी रहे हैं हम लोग। पापा भी पी रहे हैं, उनका कम चाय है। और एक केक खाया दोनों ने। देखते हैं 150 किलोमीटर के आसपास बाकी है। और जागी रोड के पहले पहुंच गए हम लोग। और ये मैंने मंगाया है पनीर और रोटी, और ये मोका मछली फ्राई पापा के लिए, और पापा का है चिकन थाली। खा लेते हैं। अभी 2:30 हो रहा है, टाइम हुआ नहीं है, होने वाला है, 5-10 मिनट बचा है। खाना खा लिया हमने, ये ढाबा से खाया। और पापा उधर पे गए हैं
सुपारी खाने के लिए आ रहे। ठीक है, अभी एक घंटे का सफ़र बाकी है, 55 किलोमीटर, तो शायद 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। रास्ता काफ़ी अच्छा है, खाली वो बीच का 30 किलोमीटर जो ख़राब है, हरंगा जाओ से जटिंगा, उसके बाद फोर लेन का रास्ता है पूरा। स्पीड मेरा 80 to 90 के बीच में था, मतलब 80 to 100। ठीक है, चलिए घर पहुँचते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मेरे वाइफ ने अपने लिए बनाया है एक फ्राइड राइस और ये चिकन सूप, ये मेरा है कॉर्न सूप और ये पास्ता, चीज़ पास्ता, और पापा के लिए बस सूप, चिकन सूप, क्योंकि उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह हो सकता है, चेकअप के लिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में, खाना खा के मिलते हैं। कॉफ़ी आ गया है, कैपेचिनो बिना चीनी का, और एक पैटीज और एक पनीर कचौड़ी, और पापा के लिए मसाला डोसा मंगाया है, वो बन रहा है, उन्होंने तो सुबह कुछ खाया नहीं था, हमने तो फिर भी कुछ खा के आए थे, तो एक बार आ जाए फिर खा के। इको बाकी है, ECG बाकी है, अल्ट्रासाउंड हो गया है और एक्सरे हो गया है, कर लेंगे। ये पापा का आ गया मसाला डोसा, और मैंने ब्राउनी और वेज पैटीज एक और ले लिया, भूख लगा है, मिटा ही नहीं मेरा अभी तक। अभी ऑलमोस्ट सारे चेकअप्स हो गए हैं, आँखों का भी दिखाया था, तो पावर वगैरह लिख के दिया है, बट डॉक्टर ने बोला है कि एक बार रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखा दो, उनसे एक बार कंसल्ट कर लेंगे, उसके बाद ही फिर करेंगे, तो देखते हैं, ये लास्ट है। ऑफिस में भी बता दिया थोड़ा लेट होगा करके। थोड़ा सब्जी मार्केटिंग हो गया है, सब्जी और फिश खरीद लिया है, फ्रूट भी ले लिया पापा के लिए, हेमोग्लोबिन बहुत कम आया है, 6.1, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ सकता है, अभी देखते हैं आगे। उनका डिनर रेडी हो गया, खा रहे हैं, ये देखिए फुल सुसरी पात, बहुत तीता पत्ता है, और ये पुठी मछली टेंगा पात के साथ, तीनों का सेम ही है। ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता इतना टेंगा है ना, तीता नहीं है, तुम तीता नहीं खाता है, बोलते तीता लग रहा है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है पूरा। मेरी वाइफ भी खा रही है, चलिए खा लेते हैं। 2 दिन जैसे मेरा सूर्य नमस्कार मिस हो गया था, बट मैं अभी वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा सूर्य नमस्कार का डे नंबर 41 रहने वाला है। 2 दिन नहीं किया था तो शरीर मेरा वापस से अकड़ गया था, बट अभी वापस 1-2 दिन करेंगे तो ये जगह में आ जाएगा। आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखें अपना और अपने फैमिली वालों का, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय।